hello you all my lovely buddies a very warm welcome to you all on this amazing platform of doubtnut aap sabhi ka fir se swagat karti hu or main le aayi hu book horn एंड दैट्स एन इम्पॉर्टेंट चाप्टर बिकॉज इसमें इतने सारे फैक्ट्स होते हैं जो हमें याद करने होते हैं एंड हमें नहीं समझ आता है कैसे कैसे किस किस को याद करना है सो डोंट डू वरी एट ऑल अगर आप लोग इस चाप्टर को इंटरेस्ट के साथ में सुनेंगे एंड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जैसे हम लोग हिस्टोरिकल uh, स्टोरीज को जानने की पसंद करते हैं हम माइथोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ों को जानने के लिए इंटरेस्ट डेवलप करते हैं अगर आप वैसे सुनेंगे तो बहुत मज़ा आ जाने वाला है एंड यू विल नॉट मिस एनी फैक्ट सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर

करूंगी और इसी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा दैट दिस चैप्टर इज अबाउट व्हाट सो डिस्कवरिंग टूट मतलब हमें किंग को अब किंग कहाँ का होगा ये किंग है इजिप्ट के कहां के हैं इजिप्ट के ये किंग है हम इजिप्ट के एक किंग को ढूंढ रहे हैं सो डिस्कवरिंग टुट हो गया अब इजिप्ट में किंग को क्या कहते हैं वो भी मैं यही बता देती हूँ उन्हें फराह कहा जाता है क्या कहा जाता है फराह कहा जाता है सो so, यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे डेफिनेटली बिकॉज जब हिस्टोरिकल बातें होती है कहीं पर्टिकुलर जगह की बातें होती है तो वट वी नो हमें उनके वहाँ के कौन से वर्ड्स हैं उनको समझने की कोशिश करनी होती है नाउ डिस्कवरिंग टुट यहाँ पे

बोलते ना शैलो रीडिंग कर लिया समझो. Saga, saga, आप लोगों ने कुछ नहीं देखा तो कम से कम एक मूवी का नाम जरूर से सुना होगा या लॉन्ग स्टोरी को लिए किया जाता है, क्या? जो बहुत लंबे टाइम से चल रही होती है उस स्टोरी के लिए यूज किया जाता है सागा स्टोरी के लिए भी बहुत सारे अलग अलग वर्ड लाइक सागा ही है ऐसा करके तो ये है द सागर स्टोरी है वो लंबे समय से चली आ रही है एंड स्टिल अभी हम अब क्यों पढ़ रहे हैं व्हाट्स हियर कि अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं एंड क्योंकि ये का है तो हमने अभी इसके बारे में क्यों जाना है वी आर गोइंग टू

को हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं एंड वी वुड जस्ट सी कि इनका नाम है ए आर विलियम्स और इन्होंने ये पूरा स्टोरी लिखा है नाउ वी मूव अहेड एंड हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ मेन कैरेक्टर्स या कुछ ऐसे नेम जो बार-बार रिपीटेडली -बार आएंगे सो so, वहाँ पे आप कंफ्यूज होगे इससे बेटर है लेट मी टेल यू अबाउट दिस अभी ही ताकि आप कंफ्यूज ही नहीं हो देखो सबसे पहला नेम व्हाट यू कैन सी हियर जाही हवस जब हम ज़ाहिर हवास की बात करते हैं कौन थे वो राइट right. सब अभी आएगा लाइन के बीच में तब मैं आपको बताऊंगी बेटर है क्योंकि आप उनसे पहले ही इंट्रोडक्शन कर लो सो so, जब हम बात करते हैं ज़ाहिर हवास की तो वो थे सेक्रेटरी जनरल कहाँ के इजिप्ट के और इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ एंटीक्विटीज़ का मतलब तो आप समझते हैं द थिंग्स आर यूनिक विच आर एंटीक्स और उनको म्यूजियम में रखा जाता है या उनको बहुत ही अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है तो इन एंटीक्विटीज़ के इन्हीं एंटीक्विटीज़ के क्या वो थे मतलब उसका एजिप्ट पूरा काउंसिल था उसके सेक्रेटरी जनरल थे

यूज किया जाने वाला एक अलग ही व्हाइट कलर का कॉटन का uh, कुछ फैब्रिक होता था जिससे उनको पूरा क्या पूरा क्या कर दिया जाता ममीफाई कर दिया जाता था ओके सो लेट्स नाउ मूव अहेड एंड या आई वॉज टेलिंग हियर

है, जो है इतने टाइम से लॉन्ग टाइम से जिसको प्रिजर्व करके रखा जा रहा है एंड यू कान डिस्ट्रॉय दैट सो इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी और ये मैंने आपको जाहिर हवास के बारे में बता दिया मैं नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड विद हावर्ड कार्टर इनका भी नाम बहुत बार आएगा जो हावर्ड कार्टर है पहले जाहिर हवास ने आ, ये जो अभी बता दूं क्या ये जो मम्मी है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो पहला हवास ने उसके ऊपर स्टडी किया था एंड उसके बाद में हार्वर्ड कार्टर ने भी स्टडी किया था सो so ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है अब आर्कियोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो होती है या हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है उसको करने वाले है अ पर्सन हु स्टडीज अ पर्सन हु स्टडीज हिस्ट्री उसको क्या कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है ओके एंड ही डिस्कवर्ड किंग टूम इसे टॉम्ब नहीं कहते है. देखो मैं मेरा तो आदत है थोड़ा सा मैं आपको प्रोनाशिएशन पे ज्यादा ध्यान देने का कोशिश करूंगी कि आप उनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करें इसे टूम्ब नहीं कहते हैं ब साइलेंट रहता है जो बी वाला यह है ये साइलेंट रहता है इट इज ओनली टूम टूम, ओके? सो इनका किसका किंग टूट का किंग टूट का जो टूम है अभी टूम का मतलब समझ में आता है ना आपको चलता था कि उनको, आ, एक होता है, जैसे में आज भी तो वैसे ही कॉफिन में क्या करा जाता था, था, था रखा जाता था आफ्टर देयर डेथ तो वही टूम है यहाँ पे इन दर नाइनटीन ट्वेंटी अब इतने सालों पहले जो किंग टूथ है उनकी डेथ होने के बाद में इन्होंने उसके ऊपर वापस स्टडी

material from the body to raise the kings remaining. अब यहां पे ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट बता दिए मैंने इन्होंने भी स्टडी किया है और हमने बात की जाहिर हवास की उन्होंने भी स्टडी किया देयर कम्स द नेक्स्ट वन अब उनका नाम क्या है ये तो मेन है जिनको हम पढ़ेंगे ये ही के, इन्हीं के बारे में ये पूरा स्टोरी है अच्छा इनका नाम जो है वो क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं तुतन खातिन इनका नाम क्या लिखा है द नेम हर रिटन इज एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज टुट इनको क्या ना, नाम से जाना जाता था टुट नाम से जाना जाता था एंड ही वॉज जस्ट अ टीन अब देखो आपको ना थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पता होगा मेजर

declared as a ruler.

अर फॉर नाइन ईयर इन मतलब क्या होता है रूल्ड देयर वहां पर उन्होंने राज किया था ओनली फॉर नाइन ईयर एंड देट उसके बाद में क्या होता है वो उनकी अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो जाती है

तुन खामून तुतुन खामून तुतुन खामून।, खामून हमने अभी पढ़ा था कि अच्छा, तो well रहस्यमय थी बहुत ज्यादा एंड सम स्पेकुलेटेड मर्डर्ड किसी ने कहा कि वो मर्डर्ड वाई आई एम शोइंग यू दिस पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज वाई सी बिकॉज आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए अगर आपने कभी नहीं देखा है हाउर कैसे होता है ऊपर so का काफिन का जो फ्रंट कवर है वो देखते हो वो एक्जैक्टली सेम जैसे जो अंदर होते हैं उनके जैसा ही होता है एग्जैक्टली द सेम दैट द कवर ओनली और ये जो है ये मेन मम्मी है एंड यहाँ पे देख सकते हो इट इज मेड ऑफ गोल्ड सो रिमेंबर जो तुत खामून है उनकी बात कर

चलो और किसकी बात कर रहे हैं हम किंग टुट की, की जो फादर या ग्रैंड फादर की बात करते हैं हम वो देखो अगर हम बात करते हैं तो इनके सिमलर ही ऐसा होगा थर्ड और फोर्थ ऐसे की बात की जाती है तो एम हॉपेट थर्ड ओके पावरफुल मतलब क्या होता है किंग

नाम आ गया यहाँ पे amenhotep 4 uh, succeeded him and initiated the and just period in the history of egypt then his name changed to अब इन्होंने हम जब बात कर रहे हैं तो हमने क्या देखा इन्होंने अपना नाम क्या-क्या रखा था दैट मींस हिज यानी कि किंगTutankhamun की King बात कर रहे हैं का ही हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं amenhotep और इन्होंने ही अपना नाम क्या रखा था ये यह यहाँ पे मैं बता रही हूँ akhenaten ओके ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है बिकॉज़ जब हम बात करते हैं हमारे डिवोशन की हमारे डेडिकेशन की और हम जिन्हें मानते हैं हम जिन भगवान को मानते हैं तो उस अकॉर्डिंगली क्या करते हैं बहुत सारे किंग्स जो है अपना नाम बार बार चेंज कर लेते हैं ये हमने बहुत जनरली देखा है कि उनका नेम रियल नेम अलग होता है एंड दे आर पॉपुलर बाय द अदर नेम एज वेल इन लाइक अगर उनके हम किंगडम में बात करें तो और एज वेल एज दे हैव द अदर नेम जो उनको गॉड uh, से रिलेट करता है गॉड से यूनाइट करता है तो उसी तरीके से यहाँ पे भी उन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या रखा था अखेनातेन रखा था और okay, इसका मतलब क्या हो? होता है विच मीन सर्वेंट ऑफ एथेंस ये एथेंस को मानते थे और साथ ही साथ में आप याद रखना एक आगे वर्ड आएगा दैट इज गोइंग टू बी डिस्क ऑफ सन एज वेल

कैपिटल को वो हम क्या कह सकते हैं राजधानी धार्मिक जो राजधानी थी कैपिटल रिलीजियस कैपिटल उसे कहाँ से चेंज कर दिया थी को कहा लेके गए थे अमराना इसलिए इन्होंने यहाँ पे अपना नेम भी चेंज कर लिया था सो मोर पीपल विल गेट टू नो मोर अबाउट हिम ऐसा करके नाउ दिस इज एक्चुअल अगर हम बात करें इजिप्त में कैसे लोग आपको दिखाई देते हैं एंड हाउ दे लुक एंड हाउ दे वेयर देर क्लोथ और अपेयरेंस कैसा होता है इसलिए मैंने यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर लिया है नाउ देन ही वॉज लेटर अटैक बाय आमून आमून कौन थे ही

दिस वॉज सीन कि जो मोमीफाई uh, किया गया था मैंने आपको बताया तीन बॉक्सेज में उन्हें मोमिफाई किया गया था फर्स्ट बॉक्स एंड ऑल द बॉक्स वर मेड ऑफ़ गोल्ड ओनली गोल्ड से बना हुआ था भाई इतने रिच थे तो भाई ये तो बड़ी आसान उनके लिए नॉर्मल बात हो गई अच्छा उस गोल्ड में उनको मोमिफाई करने के साथ साथ में हर बार जैसे फर्स्ट टाइम उनके ऊपर गार्लेंस डाले गए ओके उसके बाद में उनके ऊपर जो डेली चीज़ें हैं जो उनकी यूजफुल होंगी वो उनके वो सर्व किया गया एंड थर्ड टाइम जितने भी उनके गोल्ड के ऑर्नामेंट्स थे और जो भी उनको चीज़ें uh, मतलब बहुत ही करीब थी He was attached to, वो सारी उनको थर्ड टाइम ऐसा दिया गया ना वाई दाइजेस की ऐसा सारी चीजें क्यों की गई वाई बिकॉज देख अबाउट और उनका एक पूरा जिन्हें हम एक सिंपल सा वर्ड रिकार्नेशन भी कहते हैं ओके सो बिकॉज उनके इजिप्ट में ये माना जाता है और वहां पर चलता है दैट देर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ मीन किंग अगर हम बात करें तो किंग टुट की यहां पर तो लेकिन उनका सोलह बॉडी जो उनकी डेली चीजें हैं या जो उनकी अटैच है उनसे सारी चीजें उन की कमी ना हो एंड गेट्स वाई इसे भी वही पे उनके साथ में ममीज के अंदर क्या कर दिया जाता है बरी किया जाता है बट देर इज वन थिंग जब ये उसमें बरी करते हैं साथ में ही डाल देते हैं दे यूज सम रेजन एज वेल उसमें क्या यूज़ करते हैं रेजन अगर ये रेजन वर्ड मैं आज से दो तीन साल पहले बोलती तो शायद किसी को नहीं समझ में आता बट नाउ डेज रेजिन आर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है यू you नो know कि जो लोग हैं वो बर्थडेज़ के लिए रेजिन आर्ट्स खुद ही घर पर मोल्ड बना लेते हैं अगर नहीं देखा होगा तो डेफिनेटली इट्स लाइक क्या बोलते हैं जिलेटिन और प्लस करके कुछ और डाल दिया जाता है उसे हीट कर दिया जाता है और जिस शेप में डालोगे उसका मोल्ड बन जाता है सो दैट इज़ अ रेजिन और उसे फिर तोड़ना हल्क करना दैट वेरी डिफिकल्ट तो इन सारी चीजों को जो भी यहां पे मैंने आइटम्स बताए हैं उनको साथ में क्या मिक्स कर दिया उसके ऊपर रेजिन डाल दिया था सो दैट गेट्स ट ओवर द बॉडी क्या हो गया वो सारी चिपक गई किसके ऊपर बॉडी के ऊपर चिपक गया ओके नाउ दिस इज दाइक ऑल दिक्कस एंड देर देर आर समीन्स ये सारी चीजें आपको एक साथ में बताने के लिए दैट केन मेक एवरीथिंग क्लियर एंड यू कैन इमेजिन दैट हाउ इट वर्क एंड इट इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑलवेज इट है उनकी ही बॉडी को क्या किया गया था इट स्कैन किया गया था दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट मूविंग अहेड जब ये सारी चीजें हो गई तो आफ्टर कंडक्टिंग द रिसर्च ऑन द ट्रेजर्स ही प्लानड टू एग्जामिन हिज थर्ड नेस्टेड बॉक्सेस ओके थ्री नेस्टेड बॉक्सेस थे मैंने बताया था सो so, उन्होंने जब पूरा पूरा स्टडी कर लिया स्टडी करने के बाद में उन्होंने सोचा कि मैं अब क्या करूंगा मैं एग्जामिन करूंगा इनके थ्री नेस्टेड बॉक्स को Many parts of the treasure in the tomb was already misplaced. अब क्या हुआ था जब ये अपनी research कर रहे थे जब ये study कर रहे थे so at that time he found कि कुछ कुछ चीजें हैं कुछ कुछ चीजें नहीं है What happened? ऐसा क्या हुआ that there are some things which are misplaced. Misplaced की बात अगर मैं करूँ तो वहां पर एक चीज याद रखना आप there were two things misplaced. एक तो थी उनकी bone of breast.

This is the coffin and this is the body. This is the coffin and this is the body. अब ये coffin में से body को बाहर निकालना it was very important. Why so? And why uh, Carter ने इतना बड़ा like uh, step उठाया? Because there were so many golds there. Okay. और जो Mr. Carter है उनके दिमाग में ये आया कि इसमें बहुत सारा gold है और जो चोर होते हैं जो thieves होते हैं ना they don't think about anything and उनको gold मिलेगा तो वो gold लेके चले जाएंगे and because of that gold क्या करेंगे वो इनकी body को uh, destroy कर देंगे

सन और उन्होंने क्या किया था बहुत ज्यादा घंटों के लिए सन की हीट में रखा बिकॉज ही इसकी वजह से ये जो गन है गम जो है, यानी रेजन जो है है वो रेजन पिघल जाएगा एंड बॉडी अपने आप से अलग हो जाएगी और रेजन अलग हो जाएगा बट इटेंट वर्क ये वर्क नहीं कर पाया था फॉर न्यूमरस आर सो देट रेजन अप और ये बट हुआ नहीं ये कुछ भी नहीं हो पाया था मतलब तो आप सोच लो कि इजिप्ट की बात की जाए जहां पे कितनी तेज गर्मी होती है वहां पे इन्होंने बहुत दिनों के लिए उस कॉफिन को बाहर निकाल के रखा सो दैट रेजन पिघल जाए बट इट ऑल्सो डिडेंट वर्क याद रखना है आपको चले, how it looked like. okay. Now, ये इनका जो, जो येर्स थे ना वो भी चाहते थे that they can वो कैसे दिखते थे सो जस्ट टू आइडेंटिफाई देर फेस क्या करने के लिए टू आइडेंटिफाई दियर फेस आइडेंटिफाई करना की कै ऐसा दिखते थे मिस्टर टूट की बात करें किंग टूट की बात करें तो ये उनको एक इच्छा थी देरवर सम क्यूरोसिटी कि वो ऐसा करे ओके फाइनली ही रिमूव द रेजन विद द हेल्प ऑफ मैंने आपको बताया कि पहले भी बताया था चेसल जिसका यूज किया जाता है फर्नीचर को तोड़ने या अलग करने में सो so, फाइनली uh, क्या किया था मिस्टर कार्टर ने कि उसको रेजन से अलग करने के लिए चेसल का यूज किया था और उस बॉडी पे चस्सल चला दिया अब आ गए फंस गए सी लूटेड द गोल्ड बता दिया मैंने आपको बात किया अदरवाइज थीव्स जो है वो गोल्ड लेके जाते हैं उसकी वजह से हाँ पूरी जो बॉडी है वो खराब हो जाते देन

हैव रेड दिस ऑल अबाउट ओके अब हमने पूरा पूरा पढ़ लिया है कैसे कैसे क्या हुआ था एंड हाउ इट हैपेंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट You all want to know, and even the teachers also. So teachers bhi hai, sometimes as uh, a YouTube videos, they also want to know that what is the central theme? Because ho jata hai. we know everything, we can read the chapter, but the theme kya hai? theme is that the story discovering tut is the saga continues. It is a description of the exploration conducted by a team of researchers, and it gives the account of struggles the team faces to unravel the mystery of the death of teenage ruler King Tut.

नहीं किया सो दैट ईच एंड एवरी पीपीटी गिव्स यू And each and every slide gives you important points. So, यहाँ पे एक point के लिए मैंने एक question बनाया हुआ है and that says so you can seriously give the answer here in the comment section and I am waiting for that. That his several possessions were missing, his hip bone was missing, his breast bone and front ribs were missing, or his feet bone was missing. So I hope that this is answer is clear, very much clear. The answer is correct. Okay, moving ahead. When was Tut's body taken for CT scan in 21st century? ये भी मैंने आपको बताया है. Now the

और कैसे दोनों क्वेश्चंस आ गए सो सिंपली इफ दिस क्वेश्चन कम्स फॉर वन तो क्यों पूछ लेगा या कैसे बट इफ इट कम्स फॉर लाइक मोर मार्क्स तो आपको ना इसका पूरा इलेबोरेशन करके लिखना है ऐसा मत सोचे कि छोटा सा लिख के खत्म कर देंगे हमारा कंपोजिशन में आंसर जा, जाता है हम उसको बड़ा लिखेंगे नहीं ईच एंड एवरी मार्क्स दे आर डिटरमाइंड डिफरेंटली दैट्स ये पूरा लिखना है आपको दैट द इजिप्शियंस स्ट्रांगली बिलीव देर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ ये मैंने आपको डेथेप्ट बता दिया और वही आपने लिख दिया द इजिप्शियस बिलीव दैट द दाइड बॉडी वॉज द होम फॉर दोल

बेसिकली ये जो रेजिन होता है वो कहा से निकलता है जो uh, बड़ा सा प्लांट होता है उसके उसके ट्रंक ट्रंक में में से से बड़ा बड़ा सा प्लांट, sorry, बड़ा सा प्लांट सॉरी ट्री होता है है निकाला जाता ओके टू द फ्लैश एंड ऑर्गन एंड वंस द मॉइस्चर इज आउट बैक्टीरिया विल नॉट फॉर्म सारा ये रेजिन डालते हैं इसीलिए ताकि सारा जो मॉइस्चर है उसे क्या कर लिया जाए अब्सॉर्ब कर लिया जाए और जब मॉइस्चर नहीं होगा तो बैक्टीरिया तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं नाउ द डीड दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखेन एज अ वे अब हम जब बात करते हैं रे जॉनसन की तो रे जॉनसन ने क्यों बताया डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे मैम हमने रे जॉनसन के बारे में अभी पढ़ा है देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको किसके बारे में बता रहा है अखेन के बारे में यानी कि उन्होंने नाम लिया था अपना अपना एक नाम रखा था तो उन, उन्होंने अपना ये नाम क्यों रखा किसने किंग टूट ने वाई दैट इज और मैंने एक वर्ड याद रखने को बोला था स्टार्टिंग